नमस्ते ब्रदर्स सिस्टर्स फ्रेंड्स चिल्ड्रन दोस्तों, कल दिवाली थी और मैंने सोचा चलो साईं बाबा जी के साथ दिवाली मनाते हैं। तो मैं दिवाली मनाने के लिए गया था शिरडी में और बहुत अच्छे दर्शन हुए साईं बाबा के साथ। बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ एक मन ही मन में मेरा उनके साथ में। तो एक जैसे एक अच्छे दोस्त के साथ में अपन बैठ के बातें करते हैं वैसा महसूस हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आपको एक दो वीडियोस आपने देखे हैं कि मैं जो हिंदी शायर होते हैं, हिंदी गीत लिखने वाले जो होते हैं, उनकी शायरियाँ या कोई अच्छे पोएट्स होते हैं उनकी पोएम्स को मैं रिसाइट करता हूँ। और थीम यही रहता है कि हिम्मत और हौसले के ऊपर में जो भी पोएम्स होते हैं, जो भी सॉन्ग्स होते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से ये सुख दुख, अच्छे दिन बुरे दिन, ये तो आते जाते रहते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ जो है हमारे अंदर में जो हमको बचा के रखती है और दरिया के उस पार लेके जाती है, वो है हौसला। तो ये गीत बड़ा सुंदर गीत है, इसको मैं गा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट राहत फतेह अली खान जी ने गाया है और ये मेरे काबिलियत के बाहर का गीत है। बट इसको कंपोज किया, इसके लिरिक्स भी अपने विशाल शेखर ने किया है और उसको कंपोज भी किया है। तो जो कवि की सोच है उसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ में। शायद ये सुन के आपको थोड़ा हौसला आए ज़िंदगी में। मेरे बहुत फोन्स आते हैं और मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ और सभी तो ऐसे ही हैं जो कोई ना कोई परेशानी में। ऐसा तो एक भी नहीं मिलता जो बहुत खुश है, बहुत सुखी है। तो मेरी मुलाकात तो उन लोगों से ही होती है जो आज ज़िंदगी में कोई बीमारी से, कोई डिप्रेशन से, कोई डिजीज से तकलीफ़ में है। तो ये गीत ऐसा है कि धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नज़र झुका। जब मंजिल धुंधली हो जाती है, ऐसे सिचुएशन आते हैं कि कुछ आगे का दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं या कहां जाऊं, और एकदम धुंधला सा रहता है। वैसे हमारी एक बहन है जो कि कई सालों से बीमारियों से जूझ रही है, तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। बोलते ईश्वर हमको उठा ले, तो बस यही एक रास्ता है। तो धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका। झुक जाए सर जहाँ वहीं मिलता है रब का रास्ता। तो जब नज़र झुका जाते हैं और जब हम सिर झुका के ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं तो वहाँ से हमें ईश्वर का रास्ता मिलता है। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे। किस्मत बदलने के लिए बदल सकते हैं कि नहीं, उसको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यदि बदलना ही है तो बस बिना हिम्मत के तो वो बदली नहीं जा सकती है। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे। तेरे साथ ही मेरे कदमों के हैं निशा। मतलब जब आपको रब मिल जाते हैं और रब के जो कदम होते हैं उसके ऊपर में आप चलने लगते हैं तो आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कितना अच्छा एक कवि ने इसका व्याख्यान किया है। तू ना जाने आसपास है खुदा। तो हमें तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि हमारे चारों तरफ खुदा ही है। फिर कवि बोलते हैं कि खुद पे डाल तू नज़र, खुद के ऊपर नज़र डाल, हालातों से हार कर कहाँ चला रहे। तो कई बार हम अपने हालातों से हार के डिसअपॉइंट होके कभी कोई आत्महत्या कर लेता है या हम एकदम जिंदगी से ऊब कर एकदम से बिना कोई काम किए ऐसे पड़े रहते हैं। तो हालातों से हार कर कहाँ चला रहे। हाथ की लकीर को, अपने हाथों में जो लकीरें हैं, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हौसला एक चीज़ है जो अपनी तकदीर को बदल सकती है, और कोई भी चीज़ अपने को तकदीर को नहीं बदल सकती, ना पूजा ना पाठ ना कुछ। बस अपना जो हौसला है उसी से हम तकदीर को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो खुद तेरे ख्वाब के रंग में तो अपने जहाँ को रंग दे। जो तेरे ख्वाब हैं
वो इतने शानदार हो, इतने दमदार हो कि उसमें तू अपनी जिंदगी को रंग दे, कि चलता हूं मैं तेरे संग में, क्योंकि मैं ईश्वर आपके साथ में चल रहा हूं, ऐसा ईश्वर बोलते हैं। वो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। शाम, जिंदगी की शाम तो सबके जिंदगी में आती है, सुबह भी आती है शाम भी आती है। तो वो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा, जब अंधेरा पूरा जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, तब पाएगा दर मेरा। तो अंधेरे में ही तो ईश्वर का दरवाजा है, अंधेरे में ही तो, वो बोलते हैं ना कि व्हेन द नाइट टर्न्स डार्क द स्टार्स कम आउट, ऐसे अंधेरे में ही ईश्वर मिलते हैं। जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तो उसी रास्ते के ऊपर में यदि हम चल पड़े तो एक सुबह वापस से फिर होती है। तू न जाने आस पास है खुदा, है ना, बड़ा खूबसूरत गीत। आगे कवि लिखते हैं कि मिट जाते हैं सबके निशान, सबके निशान मिट जाते हैं, बस एक को मिटता नहीं, मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी। तो वही इंसान टिका रहता है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हर मुश्किल जो है वो ईश्वर की मर्जी है। जब हम इस मर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हमें मालूम है कि ये ईश्वर की मर्जी है, तो हमारा भय, हमारा डर पूरा निकल जाता है, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। और ईश्वर की कोई भी मर्जी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती है, ये हमें जान लेना चाहिए। मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी, ओ हम सफर न तेरा जब कोई, तू हो जहां रहूंगा मैं वहीं। और कई बार हम में से बहुत लोग अकेले हैं, 7 बिलियन लोग होके भी दुनिया में हम अकेले हैं। तो जब तेरा कोई भी नहीं है, तू जहां भी रहेगा, मैं ईश्वर साईं बाबा या जो भी आपके गुरु हैं वो आपके साथ रहेंगे। तुझसे कभी ना एक पल भी मैं जुदा, ईश्वर अपने से कभी भी जुदा नहीं होता। वो देखते रहते हैं, वो परीक्षा लेते रहते हैं, परीक्षा में अपना साथ देते हैं, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल के देते हैं। तो एक बार का ऐसा वाक्या है जो एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, कि मैं भोपाल में रहा करता था, मेरी वाइफ थी और मैं, और मेरी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम पे मेरा जॉब लॉस हो गया था, वो जॉब मैंने छोड़ दिया था और मेरे पास जॉब नहीं था। तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो बहुत अच्छे दोस्त, वो सातारा में रहते थे। तो सातारा करीब भोपाल से 1400 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने बोला तो आ जा इधर, अपन देखेंगे जॉब के बारे में। तो मैं जो भी हमारा लगेज था लेके, मेरी वाइफ के साथ जो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो एक ट्रेन हुआ करती थी झेलम एक्सप्रेस, वो भोपाल स्टेशन पे सिर्फ 3 मिनट रुकती थी उस टाइम पे। तो मेरे पुराने वर्कर लोग आ गए, उन्होंने सामान सब चढ़ा दिया। पूना में आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरा एक दोस्त आ गया, उसने मुझे 800 रुपये उधार दे दिए, आज भी मैं उसका ऋणी हूँ। और उसके बाद पूना से सतारा का ट्रेन पकड़े, तो पूना से सतारा के ट्रेन में मिल गए हमें महाराजा मिक्सी के जो ओनर हैं, जो महाराजा इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो वो भी बेचारे अपने दर दर जाके अपने मिक्सी बेचा करते थे, बड़े छोटे बिजनेसमैन थे वो। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा साथ दिया, रास्ते में 1-3 घंटे का सफर था। हम पहुंचे शाम को 6:30 बजे, लगेज हमने लगेज रूम में रखा, मेरी वाइफ 8 मंथ्स प्रेग्नेंट अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आए थे, जगह मिल गई। वहाँ जाने के बाद हम हमारे दोस्त के घर गए, और गए तो वहाँ उसके घर पे गए, मैं हम करीब 7 बजे पहुँचे। तो 7 बजे पहुँचा, हमने बोला अब हम रहे कहाँ, तो बोले देखो जस्ट अभी 2 घंटे पहले सामने का घर खाली हुआ है, चल के बात करते हैं। तो हम गए वहाँ, बात किया तो उन्होंने बोला आप अच्छे लोग दिखते हैं, आ जाइए, आज से ही आप आ जाइए। 300 रुपये रेंट था, ब्यूटीफुल घर था पहाड़ के नज़दीक एकदम।
तो हम गए, इमीडिएटली लगेज लाए और रख दिया। तो ईश्वर जो है हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, यदि हम उसके ऊपर विश्वास रख के चले तो उस पे पूरा यदि विश्वास रख के चले, वो अकेला नहीं छोड़ते और कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से वो अपनी मदद जरूर करते हैं। और वो क्योंकि वो बोलते हैं कि तू ना जाने आस पास है खुदा, तो जब भी तू अकेला रहेगा मैं तेरे साथ हूँ। इतना ही बोलता हूँ दोस्तों, जिंदगी कठिन है, आसान नहीं है। ऐसा सोचेंगे कठिन है तो कठिन है, आसान सोचेंगे तो आसान है, बट ये सफर आसान हो जाता है जब हमें यह एहसास होता है कि जो भी हो रहा है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये उस खुदा की मर्जी है, साईं बाबा की मर्जी है, और वो हमारा हाथ कभी अकेला नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बी करेजियस, बी ब्रेव, ये वक्त भी टल जाएगा। धन्यवाद।